व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं धोनी एंग्री ऑन कैमरामैन। मार्कस स्टोनिस और सीएसकेओ भैया स्टोनिस ने तो बैटिंग करके दुनिया हिला दी। मुंबई इंडियंस हिलाना चाहती है दुनिया, वो हिला नहीं पा रही है। कोई भी किसी की भी दुनिया हिला रहा है। सीएसके हार गई कल मैच में, ये देखते हैं मीम्स मजेदार तने की वीडियो है। 1 2 3 गो। वी जस्ट गॉट टू द बॉल, इट गेट्स वीर्ड। स्टोइनिस भाई, जंपा और सीएसके दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने तो दोनों की मार ली। अरे इतने ही प्यार से सीएसके को 18 ओवर तक बेवकूफ बनाया कि आप ही लोग तो मैच जीत रहे हो, और फिर लास्ट 2 ओवर में बोल दिया इट्स अ प्रैंक। और इसका मेन रीजन क्या है तुमको पता है? कल था हमारे हनुमान जी का बर्थडे। और हेलो एलएसजी ब्रिगेड, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी राम नवमी टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम। एकदम सही दिन चूज किया स्टोइनिस ने भी। भैया ये ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए आईपीएल एक क्रिकेट जिम है। जब मन होता है नींद से उठते हैं, खूब पेलते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है वर्ल्ड कप की, बढ़िया सो जाते हैं कंबल ओढ़ के। आईपीएल इनके लिए वर्ल्ड कप के पहले आई हुई ट्रायल बॉल्स है। जैसे जैसे वर्ल्ड कप पास आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया वालों के अंदर का जानवर बाहर आते जा रहा है। आईपीएल एंड होते होते ये जानवर हमारे सर पर बैठ चुका होगा, मैं बता रहा हूँ ब्रदर। सीएसके के अंडरटेकर को भी 15 रन मार दिए 19 ओवर में। स्टोइनिस ने बोला तू अंडरटेकर है तो मैं भी ब्रॉक लेसनर हूँ बड़ी। वो पतिराना बेचारा पेडिकल का विकेट सेलिब्रेट करने लगा। मेरे भाई देवदत्त पेडिकल का विकेट एलएसजी के फैंस सेलिब्रेट करते हैं, वो बॉलर्स के लिए नहीं होता। उसको आउट थोड़ी करना होता है, वो तो एक मैडन ओवर डालने की अपॉर्चुनिटी होती है। एक ओवर और डॉट बॉल निकाल देता ना, यू हार जाते तुम लोग। अभी तुमने मेरा असली रूप नहीं देखा है। एक बात बता, तू स्पाई एजेंट है ना, हमेशा दूसरी टीम के लिए खेलता है ना, दूसरी टीम के लिए खेलता है ना, हरामी साला। अच्छा ये लखनऊ वालों ने तेरा पैसा तो नहीं खाया, फिर तू उनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अरे स्टाइल है स्टोइनिस भैया, स्टाइल है पेडिकल का स्टाइल। ये मार्कस स्टोइनिस का स्टाइल है। ये भी ठीक। और फिज भाई को 17 रन डिफेंड करने थे लास्ट ओवर में, भाई ने 3 ही बॉलों में गेम ही खत्म कर दिया नो बॉल शो बॉल डाल के। तुम्हारे माही भाई ने एक बार हमें इतनी जोर से धक्का दिया था, 4 दिन तक दिमाग घूम गया था हमारा, बदला तो लेना ही था उनसे। बहुत ही रेयर देखने मिलता है वैसे कि बांग्लादेशी और श्रीलंकन टेक टीम होके किसी टीम को हरवा रहे हो। ये पे बैक वीक चल रहा है या डबल डोज वीक? एमआई वर्सेस आरआर फिर से हुआ, उसमें भी आरआर ने फिर से हरा दिया। सीएसके वर्सेस एलएसजी हुआ, फिर से हरा दिया एलएसजी ने। अब तो आरसीबी वर्सेस एसआरएच फिर से। इस पूरे मैच में अंपायर ने अपनी इतनी बेइज्जती करवाई है ना भाई साहब। सेकंड नंबर पे आ चुके हैं इस आईपीएल सीजन गलत फैसले लेने के मामले में, फर्स्ट पर अभी भी हार्दिक भाई ही हैं। पहले नो बॉल नहीं दी तो स्टोइनिस ने रिव्यू ले लिया, वो नो बॉल निकली तो डिसीजन चेंज करना पड़ा। अगली ही बॉल वाइड दे दी, इस बार माही भाई ने रिव्यू ले लिया तो वाइड नहीं निकली, फिर डिसीजन चेंज करना पड़ा। इतना गलत कैसे हो सकता है? वैसे माही भाई से याद आया, कल जब कैमरामैन माही भाई को दिखा रहा था बार बार, धोनी भाई ने बोला ए भाई हटना सामने से, अभी सेंटेनर के साथ टाइम स्पेंड करने दे। और सीएसके से देवदत्त पेडिकल वाली इनिंग्स खेली जड्डू भाई ने, और फिर स्पाइडर कैम में ही घुस गए जड्डू भाई। मेरे को लग रहा है एज अ बॉलर ही जाना चाहते हैं वर्ल्ड कप में। डगआउट में बैठे बैठे अपने बल्ले दिखा रहा था मैं, बाद में माही भाई ने पूरा जिम दिखा दिया 2 मिसफील्डिंग के बाद। हमें यार ओपनर्स को लेके कंफ्यूजन हो रहा था कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में किस ओपनर को लेके जाएं, गिल, जायसवाल, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, कौन जाएगा? तो ऋतुराज भाई ने सोचा नमक चमक डाल देते हैं। अब ये कंफ्यूजन 4 गुना बढ़ चुका है भाई। आईपीएल के तुरंत बाद अगर वर्ल्ड कप स्क्वाड सिलेक्ट करना हो ना तो सिलेक्टर्स को तो गाली खानी है, क्योंकि अगर ये परफॉर्म ना करे तो लोग बोलेंगे अरे उसको ले जाते हैं, वो परफॉर्म ना करे लोग बोलेंगे इसको ले जाते हैं। दोनों साइड से फंसना ही है बेचारों को। पर किसी को ले जाओ मत ले जाओ, एक बंदे को जरूर ले जाना भाई, जो मैं 2022 से कहता आ रहा हूँ, शिवम दुबे को। भाई ने 2 सेंटीमीटर इधर हिले ना उधर हिले 7 छक्के मार दिए, वेस्ट इंडीज स्टाइल में मारते हैं भाई अपने। रिंकू भाई एक बैट इनका भी लेके देखी लो, मैं तो बोलता हूँ ये कौन सा बैट है जो टूटी नहीं रहते जोर-जोर से मारने पे। बॉल के तो चितड़े ही उड़ा दिए थे दुबे जी और स्टोइनिस ने मिलके, पहचान में ही नहीं आ रही थी कि वही बॉल है कि नहीं। शिवम दुबे एंटरिंग इन वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड, दुबे टू हार्दिक पांड्या। ओ सरक उधर सरक, केवल बैटिंग से ऑलराउंडर को रिप्लेस करने का घमंड है ब्रो। मोस्ट अंडररेटेड स्कैम ऑफ 2024 आईपीएल, आवेश खान एंड देवदत्त पेडिकल हैज बीन ट्रेडेड। मतलब ये तो वही बात हो गई भाई, कचरे को कचरे से ही रिप्लेस कर दिया। हार्दिक पांड्या आफ्टर सीइंग शिवम दुबे बैटिंग, वेरी फियर्स लग रहा है हार्दिक ब्रो। शिवम दुबे अपना सिंपल है, बीवी से प्यार और बॉलर्स का भला। ओ भाई ये क्या था?
एमएस धोनी गेट्स एंग्री एट पति राणा फॉर टेकिंग द विकेट ऑफ पेडिकल। पेडिकल भाई का विकेट लेना नहीं होता, ये एलएसजी तुमको एक मौका देती है कि भाई नीचे निकोलस पूरन है, अभी विकेट मत लो, तुम्हारे पास चांस है। ऋतुराज गायकवाड़ सेंचुरी, स्टॉइनिस मस्त है, मैं भी ट्राई करूं, बेटर तरीके से ट्राई कर दिया। मेरा यकीन करो केएल राहुल भाई, मैं आपके लिए ही खेल रहा हूं भाई, 19 बॉलों में केवल 13 रन, उधर स्टॉइनिस के बेचारे के पसीने निकल गए बॉलें बचाते बचाते। थाला टू जड्डू, इज्जत से समझा रहा हूँ, गेट आउट, कीप स्क्रोलिंग, आई लॉस्ट द टॉस अगेन। टॉस के टाइम पे ऋतुराज भाई ने दो बार मेंशन किया कि मैं बार बार टॉस काहे हार जा रहा हूँ भाई। शिवम दुबे, जडेजा भाई, मेरे को यही डर लग रहा है यार कि जडेजा और हार्दिक भाई अगर नीचे रहे तो हिटिंग कहाँ से हो पाएगी वर्ल्ड कप में। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग लाइनअप है यार, लौड़ा का बॉलिंग लाइनअप है। पथिराना चल गया तो भाई ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाती है सीएसके की। सीएसके फैंस, थाला कैप्टन होते तो मैच जीत जाते ब्रो। एमएस धोनी तो कैमरामैन, हमें लौड़े अपना काम करना। दुबे वाचिंग पांड्या फॉर्म इन आईपीएल, क्या हुआ ब्रो, मार वो रहा है एलएसजी के बॉलर्स को, दर्द मुझे हो रहा है। हार्दिक भाई आज सेंटनर को प्यार मिला यार, ये रहाने भाई वाला जब से सिलसिला चालू हुआ है ना, वहां पे इनको जाना भी नहीं चाहिए भाई, कैमरामैन पूरे टाइम उधर ही रहता है, गड़बड़ हो जाता है। बच्चे लोग वर्ल्ड कप ऑडिशन देते हैं, मैं सीधा WTC फाइनल ऑडिशन देता हूँ, मत करो यार जड्डू भाई प्लीज, आपसे विनती है। टीचर अनाउंसेस सरप्राइज टेस्ट, टॉपर रेस्ट ऑफ द क्लास, अकेला भाई ऐसे कर रहा था ना, ये उस टाइम देखने लायक था यार। सीएसके फैंस टू फिस, क्रिकेट इज नॉट फॉर यू गाइस, फोकस ऑन योर ओरिजिनल वर्क, रिक्शा पुलिंग, कभी रहाने तो कभी संतूर, यू आर ग्रेट थाला, संतूर भाई। फाइनली अ प्लेयर वियरिंग अ ब्लू जर्सी साइलेंस द टीम येलो, यस, अरे बहन जो पर ये तो ऑस्ट्रेलिया जी है। हाउ अदर सी फिज, हाउ स्टॉइनिस सी फिज, दोज हु नो नो, चार रन बचा लेता तो मेरे चौके की वैल्यू बढ़ जाती, चार रन तो क्या भाई, कुछ ना बचा पाया भाई। This is real धोनी review system, भाई मैं बता रहा हूँ क्यों जाते हो कैमरा के सामने, क्यों आ जाते हो जब पता है 24 घंटे कैमरा वहीं भाई पर रहना। एम्पायर गिव्स वाइड, बेटर्स DRS, ये ले भाई ऐसा देते ना धना धन, जैसे ही वाइड फेंकी तुरंत That one sperm wins the sperm race. भाई मजे तो आ रहे होंगे, इसको डर भी लग रहा होगा कि यार कहीं ऐसा ना पेल पाल दे भाई गुस्से। ऑस्ट्रेलियन हूँ, क्राउड को चुप कराना तो खून में है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी से दबाई मचाते रहो, सबने बुरे करते बढ़िया। और लेकिन ये वाला मीम सुनकर जितना अच्छा लग रहा है उतना ही अच्छा वैसे नहीं लग रहा है, क्योंकि नीली जर्सी ने येलो जर्सी को हरा दिया, हम चाहते थे वर्ल्ड कप फाइनल में होता, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराती। अभी देखना ज्यादातर जो मतलब वैसा इंपैक्ट डाल रहे हैं ना वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है मोस्टली टीम में, अगर और वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं मस्त, उन्होंने कहा कि वहां भी स्लो विकेट मिलनी है और इंडिया की भी थोड़ी सी, इंडिया की इतनी स्लो नहीं है जितनी वेस्ट इंडीज में मिलनी है तो, और बाकी इंडिया की तो वैसे स्लो रही नहीं है, अच्छी ही हो गई है, बहुत फास्ट पेस्ड हो चुकी है तो, लेकिन प्रैक्टिस पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बारे, पैसे भी मिल रहे हैं इस प्रैक्टिस के, हैं आईपीएल खेलने के पैसे मिल रहे हैं, दवा के प्रैक्टिस हो रही है, फेम मिल रहा है, मजे ही मजे आ रहे हैं भाई। लेकिन कल का मैच हार गई चेन्नई, हारना डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन जो ऐसी बॉलिंग थी उसने इनके लगवा दिए और वो लग गए ऐसे कि अब ये बैठे बैठे ये सोचना पड़ रहा है कि अब और हार बर्दाश्त नहीं कर सकती टीम ने, तो प्ले ऑफ के रास्ते बंद हो जाएंगे चेन्नई के लिए, और भाई फाइनल भी चेन्नई में ही है तो प्लीज चेन्नई बकल अप एंड परफॉर्म और जीतो, क्योंकि भाई धोनी है की टीम है, जब तक धोनी है तब तक सीएसके सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद आगे का हम गारंटी, इसकी गारंटी हम नहीं लेते, हम नहीं ले सकते। बाकी मीम्स तो बढ़िया, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने मीम्स इंजॉय करे होंगे। और कल का मैच देखा मैं तो भाई, नींद की झपकियां ले लेके देख रहा था, फोन में चल रहा मैच, सो गया, फिर कुछ आवाज आती ऐसे और मार दिया, कुछ छक्का मार दिया, और भैया क्या हो गया ऐसे बीच में, और कल तो बारिश भी हो गई थी ना। मिलते हैं आपसे कपड़े के साथ, बाय, टेक केयर।